Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Okay, Mary, तुम वहाँ जाओ. Snowy, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है. नहीं जाएगा. मैंने कहा ना मैं देख लूंगी इसे. वो रहा, पकड़ो उसे. हाथ हो गया. अभी बताती हूँ. हेलेना, ये क्या किया तुमने? जानता हूँ ये नाकाबिले माफी है, लेकिन यही सच है. वो बिल्कुल आप जैसा लग रहा था, लेकिन उसने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया. वो फैंटम है और वो अपना रूप बदलने में माहिर है. सही कहा, यही बात तो मैं भी शुरू से कह रहा हूँ. लेकिन फिक्र नहीं, जल्दी पकड़ लेंगे उसे. तुम्हें आराम की जरूरत है. अच्छा ये बताओ, आखिरी बार छुट्टी पर कब गए थे तुम? तकरीबन 100 साल पहले. पूरे 114 साल पहले. मेरा मानना है कि तुमने कमाल की ड्यूटी निभाई है और अब तुम्हें रेस्ट की जरूरत है. तुम रिटायर हो जाओ. एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका? मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा. मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए. बिल्कुल ठीक कहा, तुम जाओ और आराम करो. ओके, लेकिन क्यों? और फैंटम? हम फैंटम को पकड़ लेंगे, तुम उसकी फिक्र मत करो. तुम जाओ, जाकर गार्डनिंग करो, फिशिंग करो. मुझे तुम्हारी जगह किसी काबिल शख्स को ढूंढने में खुशी होगी. मेरी जगह? लेकिन इस टाउन में कोई इस काबिल नहीं जो कि मेरी. वाओ, स्नो, ये तुमने किया? नहीं, ये तो हेलेना ने किया है. बहुत मजा आया इसे पकड़ने में. प्रोफेसर. हेलो प्रोफेसर वाइस, नाइस टू सी यू गर्ल्स. आई गेस प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी. हम कीपर की मदद कर रहे हैं. आप ही ने हमें ये काम दिया था, रिमेम्बर? मैं इस वक्त रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रही हूँ. तुम लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाली हूँ मैं. अब से तुम लोग यहाँ की हेल्पर नहीं बल्कि फैबल्टन की कीपर हो. ये लोग? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इनको जिम्मेदारी दे रही हैं आप? ये लोग तो बस कर. मेरा इससे कोई लेना देना नहीं. मैं जा रहा हूँ. गुड बाय. पछती आप पकड़ लो. कंग्रेचुलेशंस वैलरी, मैरी, स्नोई. हाँ स्नोई, और माफ करना, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें जानती हूँ. मैं प्रोफेसर वाइस, ये हेलेना है. ये हमारी दोस्त है और ये बहुत अच्छी लड़की और है. इसको फायर मैजिक आता है. वेल ओके, तुम्हें भी मुबारक हो हेलेना. तुम चारों अब इस टाउन की हिफाजत करोगी. हे वो क्या है? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? हम टाउन के कीपर्स बन गए गर्ल्स. कैट का क्या होगा? लेकिन अब जरा भी नहीं सोचा उन्होंने. 114 साल से ये जिम्मेदारी मैं निभा रहा था. ओके, मैं समझ सकता हूँ कि मैं भी पहले छोटा था, लेकिन उन्होंने अब तक कुछ नहीं सीखा तो अकेले कैसे करेंगी सब? खैर जो भी है, मैं उन लोगों की मदद नहीं करूंगा. अब मैं इस बात की फिक्र क्यों करूं? क्या मेरा हक नहीं है एक लंबी छुट्टी पर जाने का? मैं अपने पुराने दोस्तों से मिल सकता हूँ, मूवीज देख सकता हूँ. वैसे इस वक्त क्या दिल चाह रहा है मेरा? क्या? चलो ठीक है, चल के फिशिंग ही करते हैं. फैंटेसी पेट्रोल नहीं रहे, अब हम हैं फैंटेसी सुपर पेट्रोल टाउन कीपर्स. मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है. हम पूरे टाउन पर नजर कैसे रखेंगे? वैसे काफी आसान है. इन लाइट्स को देखो, अगर ग्रीन रहे तो सब ओके है, और अगर रेड हो जाए तो कुछ गड़बड़ है. क्या इस तरह की रेड लाइट? लेकिन ये तो भाग रही है. कोई है? मेरी मदद करो, किसी ने मेरा हार्ट चुरा लिया. वो हम नहीं है. कहाँ है वो कीपर? कहाँ है? हम कीपर हैं. क्या? आवाज नहीं आ रही मुझे. मैंने पूछा है कीपर कहाँ है? अब इस टाउन के कीपर्स हम हैं. फैंटेसी पेट्रोल. क्या पेट्रोल? खैर जो भी हो, इस वक्त मेरे साथ चलो, मेरा हार्ट ढूंढना है. आप फिक्र ना करें आंटी, हम
पलक चपकते ही आपका हट ढूंढ निकालेंगे, लेकिन उसे ढूंढना कहाँ? तुम लोग कितनी स्लो हो, किसने बनाया है तुम्हें कीपर? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे क्या देख रही हो, बैठ जाओ इसमें। और तुम तीनों बैठो उस झाड़ू पे। हाँ तो सब तैयार है, जोर से पकड़ना जरा। क्या मैं किसी बस में जा सकती हूँ? अपने चारों तरफ ध्यान से देखना, वो यही कहीं होगा। हे, मैं आपको जानती हूँ शायद, आप बाबा यागा है ना? हाँ हो भी सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सिर्फ मिसेस बारबरा यागार हूँ, ओके? यस मैम, और मैं हूँ हेलेना। आप वही है ना जो टूरिस्ट को यहाँ का टूर कराती है? ओह तुम तो बहुत बोलती हो। हाँ मैं वही हूँ, आफ्टर ऑल इस मैजिकल टाउन को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मैं 3 सदियों से यहीं पर हूँ। 3 सदियों से? वाओ। यहाँ कई परी और जादूगर रहा करते थे, घोड़े और ड्रैगन्स भी होते थे यहाँ। ये दरिया जल परियों का पसंदीदा मकान था और इस जगह पर टाउन का गेट हुआ करता था, जो आम इंसानों और फेरी टेल की दुनिया को जोड़ता था। जादूगर और आम लोग बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो एक दूसरे से मिलने भी आया करते थे। हाँ गेट, मैंने भी सुना है उनके बारे में। तो फिर क्या हुआ उनके साथ? क्या मतलब क्या हुआ, वो अभी भी यही है हमेशा की तरह, लेकिन अब वो बंद है कई सालों से। और इससे पहले कि तुम पूछो, मैं तुम्हें खुद ही पूरी कहानी सुना देती हूँ। पुराने बादशाह की वफात के बाद इस जगह हुक्मरानी के लिए एक नवाब आ गया। वो लालची और मगरूर था, वो परियों की दुनिया पर कब्जा करके उसे अपना बनाना चाहता था। हालांकि उस नवाब के पास कोई जादुई ताकत नहीं थी, लेकिन मदद के लिए वो ब्लैक मिरर के सामने जा पहुंचा और कहा कि मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे जादूगर बना दो। मेरी ग्रैंडपा ने बताया था कि जादूगर पैदाइशी होते हैं। वो ठीक कहते थे, वो नवाब जादूगर तो नहीं बन सका, लेकिन उसने उस मिरर से एक खास ताकत हासिल कर ली, किसी का भी चेहरा अपनाने की ताकत। अब वो एक दरिंदे से लेकर एक चिड़िया तक कुछ भी बन सकता है, लेकिन इस वजह से उसने अपनी असल शक्ल हमेशा के लिए खो दी, इसलिए सब अब उसे फैंटम कहते हैं। और तब से ये फैसला किया गया कि परियों की दुनिया का गेट बंद रहेगा। जादूगर वापस चले गए और इस गेट की चाबियां महफूज हाथों में सौंप दी। तो क्या सारी परियां यहाँ से चली गईं? सारी से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मैं तुम्हें परी नहीं लगती हूँ? कुछ यहाँ पर रुक गईं और उन्हें जॉब्स मिल गईं। लेकिन तुम ये सवाल क्यों कर रही हो, ये तो सेकंड ग्रेड में पढ़ाया जाता है। ये बीमार थी जब हमने ये पढ़ा। फिर उस शहजादे के साथ क्या हुआ? उसे तहखाने में बंद कर दिया और सख्त पहरा लगा दिया। वो देखो, वो रहा हट, दलदल में फंस गया है। पूरा दिन गुजर गया, एक भी शिकार हाथ नहीं लगा, इसलिए अभी मजाक उड़ा रही होंगी मेरा। ये क्या है, जंगल में दलदल के पास हट, मैं आ रहा हूँ। ओ याद आया, ये काम तो अब मेरा है ही नहीं, वही संभालेंगे अब इस मुश्किल को, मेरा अब इससे कोई वास्ता नहीं, आराम करूंगा मैं। ओ स्वीटी, तुम्हें यहाँ लाकर किसने फेंक दिया? ओ नो, ऐसे तुम्हें से खो दूंगी। तुम लोग वहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही हो, मेरी मदद करो, कम ऑन। कुछ सोचना पड़ेगा, तुम सोचती रहो, फिक्र मत करो बारबरा, अब देखो मेरा कमाल। ओ प्लीज, तुम इसे जादू कहती हो? मुझे लगता है मैं अपना घर खो दूंगी। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम ही असल कीपर हो, कम ऑन मदद करो मेरी, ये लड़कियाँ तो किसी काम की नहीं है। ये मेरा है, मुझे वापस करो। कम ऑन, मैं कह रही हूँ जाकर मेरा घर बचाओ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? यू नो व्हाट गर्ल्स, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। फैंटेसी पेट्रोल। हे गर्ल्स, पकड़ो इसे, जाने बचाना। कहाँ गया वो? उसके पास वो बॉक्स है, उसे जाने मत देना। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, मैं रुकने के लिए क्या करूं? मैं रुकने के लिए म्याऊ। गर्ल्स मुझे कंफ्यूजन हो रही है, इनमें से ये क्या कौन सी है? क्या तुम लोग फेरीज नहीं हो? तुम लोगों से कुछ नहीं हो सकता, देख लिया क्या किया तुमने? हे ये बदतमीज वाले, असली गैंग है। इसे रोकना होगा, उसके पास चाबियां है, वो भाग गया सिर्फ तुम लोगों की वजह से। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। Well, तुम लोगों ने फैंटम को देखा, लेकिन वो भाग निकला। खैर कोई बात नहीं, एक अच्छी टीम के होते हुए घबराने की क्या जरूरत है, चलो चलकर मेरा हट बचाते हैं। तुम्हें लगता है इस पर टेलीपोर्टेशन काम करेगा? हमें पूरी मेहनत करनी होगी, अगर हम सब मिलकर करें। दिल से करो तो हर काम आसान हो जाता है। Let's go!
कैसे गए? मैं और ले सकती हूँ। वैसे इन्हें कहते क्या है? तुम्हारी दाएं जानब तारीखी एप्पल पाइज और तुम्हारी बाएं जानब है, ओह सॉरी, पुरानी आदत है। देख लिया, वो भाग गया। बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। और एक और बात बताता चल कि वो बॉक्स लेकर भाग गया है और साथ में चाबियां भी। अरे मुझे क्या, बहुत शौक था ना जिम्मेदारी का, तो ठीक है संभालो, मेरे ऐसे कोई ताल्लुक नहीं। ये इतने गुस्से में क्यों है? और उस बॉक्स में क्या था? उस बॉक्स में कुछ नहीं, मगर वो कीज के बारे में कह रहा था। हाँ वो कीज किस चीज की है? टेल टेल। ओह वो चाबियां परियों की दुनिया के उस गेट की थीं। वो संभाल कर रखने के लिए दी गई थी मुझे और मैंने उन्हें उस बॉक्स में रख दिया, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि वो वहाँ महफूज नहीं है। मैंने सोचा कि उन्हें कहीं और दफना दूँ, तो बस ऐसे ही मैंने उन्हें छुपाने की जगह बदल दी और फिर बार बार मैं उनकी जगह बदलती गई और एक दिन मैं खुद ही भूल गई कि मैंने वो चाबियाँ कहाँ छुपाई थी। रही उस बॉक्स की बात तो वो खाली है और चाबियाँ कहाँ है ये कोई नहीं जानता। आज के सारे काम जो हमें करने हैं, मिस्ट्री हॉर्स को खाना खिलाना, सैडी से मिलना और बहुत कुछ। सीरियसली गर्ल्स, आज हमारा पहला दिन है एज अ कीपर। राइट, मिस्टर हॉर्स को खाना खिलाना, सैडी से मिलने जाना, क्या तुम लोगों को लगता है कि ये काम कीपर के है? अगर टाउन में कुछ गड़बड़ नहीं है तो हमारे पास करने के लिए क्या है? मैप देखो। गर्ल्स, तुम लोग विश मांग सकती हो तो क्यों ना। नहीं, बहुत शुक्रिया। ग्विडल डम, थोड़ा और ऊपर करो। और कितना ऊपर करूं? थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे। तुम्हारा मतलब है राइट साइड पे? नो, लेफ्ट साइड पे। हट जाओ इससे, चाहे मैं खुद ही कर लूं। आराम से। अ बैनर चेक। Sculptures, check. हाँ, ये तुम हो। Please, ध्यान रखना क्योंकि इस वक्त पर पहुंच जाएं। Cat, क्या कर रहे हो? म्यूजिशियन बनने का इरादा है क्या? क्यों, इसमें क्या बुराई है? और वैसे भी सर, अपना शौक पूरा करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। बहुत खूब, ऑर्केस्ट्रा चेक। अ कैट ऑर्केस्ट्रा। वुहू!
पेट का गार्डन, मैजिकल स्टोर। ये बिल्कुल फेरी टेल जैसा है। यहाँ बहुत गर्मी हो गई है। मुझसे डरो मत, मैं आपकी टांग की करूँ। कोई प्रॉब्लम है स्टोर में? क्या ये टूट रहा है? टंटड़ा, सिंपल सॉल्यूशन है। देखना होगा कि चिमनी कहाँ से बंद हुई है। हाँ, यहाँ से। हाँ, ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ओह, देखो ये फिर से काम कर रही है। ओह, थैंक यू। यू आर वेलकम। ओह, मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। ओह, थैंक यू वेरी मच। वाव, ये बहुत प्रिटी है। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ये तो क्या फेरी बन गई हूँ अब मैं? थैंक यू वेरी मच ब्रेसलेट। और ये क्या है? दिस इज ऑसम। तो मेरे मिनियंस राइट? क्योंकि सारी फेरीज के पास मिनियंस होते हैं। ओह नो, ये क्या हो रहा है? रुको, पापा जॉयस में। हे तुम, पापा जॉयस में जल्दी से। नहीं नहीं, रुको, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा वापस आओ। मैं छोडूंगी नहीं तुम्हें। प्रिंसेसेस एंड ड्रैगन जिन्स, किंग्स एंड क्वीनिंग्स एंड हीरोज। गर्ल्स, एंट्री नंबर 75। लगता है हमें कीपर वाला काम मिल गया। मैप देखो। हरी, लेट्स गो। रुको, हेलेना का क्या? क्या हम एक टीम नहीं? हाँ, राइट। तुम लोग हेलेना का इंतजार करो, मैं चली टाउन को बचाने। वैलरी, हमारी लिए रुको। Hey girls, ये तो देखो। ये कौन है? बोरे, पीछे करो इसका। हेलेना, ओह वाओ, ये तुम्हें क्या हुआ है? ओह, अच्छी लग रही हो ना? मैं फेरी बन गई, रियल वाली फेरी। इस मैजिक ब्रेसलेट की वजह से। ये मुझे स्टोव ने दिया है। ठीक है ठीक है, बाद में बताना ये सब, पहले सूरत हाल को तो संभाल ले। हाँ, लेकिन कैसे? वैसे ये मेरे हैं। तुम्हारे? ओह, ये कितने क्यूट है। हेलेना, अगर तुमने बुलाया है इन्हें तो तुम्हें ही इन्हें वापस भेजना होगा। वापस कैसे भेजना है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ परों को उड़ाना मैजिक है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तो मैं सीख जाऊंगी। मैंने बताया है ना, मैं नॉर्मल लड़की नहीं हूँ, मैं फेरी हूँ और मैंने मैजिक भी किया है। आस्ता आस्ता ही दोस्त आगा। वैलरी, तुम ठीक हो? I'm sorry, मैं ये नहीं करना चाहती थी। It's okay, मैं ठीक हूँ। लेकिन ये तुमने कैसे किया? मुझे नहीं पता, मैंने बस ये स्पेल कल रात अपने ख्वाब में सुना था। Entry 76. हेलेना ने सीख लिया है कि फायर को किस तरह कंट्रोल करना है। मुझे आ गया। ये सब ठीक है, लेकिन अभी हमें टाउन को बचाना है। राइट, और सिटी एनिवर्सरी फेस्टिवल को भी। मेरे पास एक आइडिया है। Thank you.
मेरे ख्याल से एक म्यूजिशियन होना कोई बुरी बात नहीं है, लोग पसंद करते हैं इसे। Dear Fabletonians, हम सब ने अपनी पूरी कोशिश की फेबलटन को एक मैजिकल टाउन बनाने में। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम कामयाब हो गए हैं। Congratulations! Cheers! Congratulations! Well done, Mir! हमने बहुत अच्छा काम किया है। Petrols, क्या ये lanterns तुम लोग लाई थी? इस शहर का मेयर होने के नाते मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हमारा टाउन अब सेफ है, फेस्टिवल भी अच्छा गुजरा और हेलेना को अपना मैजिक मिल गया, यानी सब कुछ अब ठीक है। And 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लाइन को फॉलो करें। हाँ बिल्कुल सही। And 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Amazing and wonderful. And 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अजीब ख्वाब था ना। मैंने फ्रॉक पहना हुआ था। हाय स्नोई, अंदर आ जाओ। ये मेरा रूम है, लेकिन मैं इसे तुम्हारे रूम जैसा बनाना चाहती हूँ। ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट। तो फिर शुरू करते हैं। तुम जब तक काम खत्म करो, मैं तुम्हारे लिए सैंडविचेस बना के लाई। स्नोई, ये क्या हो रहा है? स्नोई, ये क्या? आज का दिन आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं बनूंगा पपेट मास्टर। कौन कौन देखना चाहेगा ये? रेड कैप पहने, हाथ में बहुत सारे मिनी पाइस की बास्केट लिए मैं जा रहा हूँ अपनी ग्रैंडमा से मिलने, वुल्फ से बचने के लिए। एक्सक्यूज मी लेडी, आपने किसी बिग वुल्फ को देखा है? मैं कोई लेडी नहीं, बल्कि मैं एक बड़े जूतों वाली रिनाउंड ओगर बस्टर हूँ। मुझे जाना होगा परिस्ता। क्या क्या कहा, कहाँ जाना है? रुको, स्नोई। मेरी फीनिक्स सिस्टर को इंतजार है मेरा। ये क्या हो गया तुम्हें स्नोई? एंट्री 22। टाउन में कुछ अजीब हो रहा है। वैलरी, हमें जाकर इसे सॉल्व करना होगा। चलो कुछ प्लान करें। हेलेना और स्नोई का क्या? प्लान बनाने के लिए उनका इंतजार नहीं करोगी? ये इंतजार का वक्त नहीं, एक्शन का वक्त है। लिसन गर्ल्स, कुछ अजीब सा हो रहा है पार्क में। हाँ, और स्नोई के साथ भी। मैं उड़ रही हूँ हवाओं में, मुझे रोके ना कोई। मैं हूँ फीनिक्स। I run away from a little old woman, a little old man. एंट्री 23। हमारी प्यारी स्नोई को लगता है कि वो एक परिंदा है। जब सब लोग यहाँ मौजूद हैं, तो चलकर देखते हैं कि बाहर हो क्या रहा है। क्यों ना मैं भी यहाँ से भाग जाऊँ। टेलीपोर्टिंग टू द पार्क। मैरी,
क्या जरूरत थी टेलीपोर्ट करके यहाँ आने की? मुझे नहीं लगता ये मसला इतना बड़ा था कि उसको हल करने के लिए हम लोग मार्कियस ऑफ कैरेबस, मार्कियस ऑफ कैरेबस। हे गर्ल्स, क्या तुम लोगों ने यहाँ ओगर को देखा है? ओगर कौन है? नहीं देखा। नहीं देखा, ठीक है फिर तुम लोग मार्कियस ऑफ कैरेबस की पार्टी में इन्वाइटेड हो। फैंटेसी लाइब्रेरी, ये क्या? एडमिशन फ्री, वो भी सबके लिए? That's weird. Snowy, रुको। Snowy, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तो शो शुरू होने वाला है। आप सबके जमा होने का वक्त हो गया है, तो आ जाइए। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? लगता है सबके सब पागल हो गए हैं। एक मैजिकल हैंड के एग से निकला जिंजर ब्रेड मैन। मछेरे ने उड़ाया अपनी मछलियों को। टीशे की चप्पल बन गई शूज और लाइब्रेरी में मौजूद है सारे क्लूज। क्या कहा, लाइब्रेरी? सुना तुम लोगों ने, क्या आज के दौर में भी कोई लाइब्रेरी जाता है जबकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है? लाइब्रेरी, चलो देखते हैं। एक बहुत ही पुरानी इमारत, तकरीबन 16वीं सदी की, यानी हमारे इस टाउन से भी पुरानी। वाह गर्ल्स, ये लाइब्रेरी तो बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई? मुझे लगता है हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। चलो चलें। अब मुझे समझ आया कि टाउन में सब लोग कंफ्यूज क्यों हैं। हे यू, हाथ मत लगाना किसी चीज को भी। ओह गर्ल्स, ऊपर देखो, कोई बैठा हुआ है वहाँ। हे, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मैं एक लाइब्रेरियन हूँ। माय नेम इज जॉनी। डोंट वरी, हम तुम्हें नीचे उतारने में मदद करेंगे। तुम्हें लगता है मैं डर रहा हूँ? तो जान लो मैं किसी चीज से नहीं डरता। ये क्या हो रहा है? मैं उड़ क्यों नहीं पा रही? मैजिक काम नहीं कर रहा। मेरा भी नहीं। ये हैरानी की बात नहीं, आज सुबह से कुछ काम नहीं कर रहा है ये सब शुरू होने के बाद। वैसे तुम्हारे दोस्त को क्या हुआ है? हे गर्ल्स, देखो जरा स्नोई को, इसकी तबीयत तो और बिगड़ी है। मुझे लगता है मैं मेल्ट होने वाली हूँ। जल्दी करो, हमें ये सारी बुक्स वापस रखनी है। वापस रखनी है, मगर कैसे? मैजिक काम नहीं कर रहा और खुद से रखने में तो साल लग जाएगा। You know girls, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। हाँ बिल्कुल, ये वही खिड़की है, ये बुकशेल्फ और दरवाजा, सभी कुछ मेरे ख्वाब जैसा है। कैसे हो सकता है ये? हेलेना, स्नोई पिघल रही है। वो लड़का बुकशेल्फ पे बैठा है और तुम्हें अपने ख्वाबों की पड़ी है। और हाँ, म्यूजिक भी बिल्कुल ऐसा ही था। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हमारा मैजिक भी काम नहीं कर रहा, सारी बुक्स इधर उधर पड़ी हैं, पूरा गांव खतरे में है। हेलेना, हेलेना, दैट्स इंप्रेसिव। ये तुमने कैसे किया? वही तो बताना चाह रही हूँ, ये जगह बिल्कुल मेरे ख्वाब जैसी है। तो तुम ये बुक्स अपनी जगह पर कैसे रखोगी? तो बहुत सारी हैं। तो हेलेना, इसके बाद तुमने अपने ख्वाब में क्या देखा? उसके बाद मैं ऐसे मुड़ी और फिर मेरी आँख खुल गई। नाम क्या बताया था? हाँ जॉनी, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? मुझे नहीं मालूम, अभी कुछ दिन ही हुए हैं मुझे यहाँ काम शुरू किए हुए। ये तो कंट्रोल पैनल लगता है। तो ठीक है फिर, सारे बटन्स को दबाते हैं, कोई ना कोई तो काम जरूर करेगा। आ जाओ गर्ल्स। Hmm.
क्या हो गया मुझे और मेरे टूरिस्ट कहाँ गए? आह, कैफेज में जाके बैठ गए होंगे। ओह, मिनी पाइज। टेस्टी। ओह, फैंटेसी पेट्रोल। यकीनन ये इन्हीं का काम होगा। देखो घबराना नहीं। हे हे हे, आराम से ओके। जॉनी, तो यहाँ क्या हुआ था? मुझे नहीं पता। जब मैं सुबह सोकर उठा तो सब ऐसे ही था और फिर तुम लोग आ गए। वैसे ये सब मुझे खुद संभाल लेना चाहिए था। तुम ही संभाल लेते? वाकई। एंट्री 25। टाउन अब बिल्कुल ठीक है। हमने अपनी जॉब अच्छे से की। हेलेना, तुमने टाइल्स के बारे में कैसे पता किया? मैंने बताया तो था। एक तो तुम लोग यकीन नहीं करते हो मेरा। जो सब मैंने ख्वाब में देखा वही लाइब्रेरी में किया और सब ठीक हो गया। वाओ, अ मैजिकल ड्रीम। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। हेलेना, क्या तुम्हें पता है तुम एक फेरी हो? नहीं गर्ल्स, मैं असली फेरी नहीं हूँ। मुझे तो सारी पावर्स इस ब्रेसलेट से मिलती हैं।